देखता ये कैमरा सर यहाँ देख सर यहाँ पे सर विवेक सर थोड़ा फुल राइट सर सेंटर सर सर एक मिनट यहाँ ये ठीक है सर थोड़ा पीछे रोल 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 इनको कोई पीछे रख सकता है इनको कभी कोई पीछे नहीं रख सकता सर उमर भाई के हेलमेट प्रिंटेड कैलेंडर लॉन्च होने जा रहे हैं एनिमल प्रिंटेड है क्या कहना चाहिए भाई उमंग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं साथ में हम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में कई समय हमने कई महीने साथ में बिताए और उनके बारे में एक चीज़ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं बहुत मर्म दिल के हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं वो अगर आप उनकी फिल्में भी देखें तो जो सोशल इश्यूज सामाजिक जो इश्यूज हैं जो टच करते हैं उनको कोई बात नहीं कोई बात सब ठीक है कर लें उनको जो सामाजिक इश्यूज हैं वो बहुत टच करते हैं और इसके बारे में जब हम शूटिंग कर रहे थे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज की तब मुझे इन्होंने पहली बार ये दिखाया और मैंने कहा ये क्या है ये तो फोटोग्राफ है इससे कहा नहीं फोटोग्राफ नहीं ये पेंटिंग है मैंने कहा ये क्या किया आपने लोग नॉर्मली फोटो पेंटिंग की फोटोग्राफ लेते हैं और आपने मतलब फोटोग्राफ की पेंटिंग बना दी उल्टा तो एंड ही शोड मी हाउ ही डिड इट एंड आई सेड क्यों कर रहे हैं आप तो वो कह रहे थे कि टू रेज मनी फॉर ये जो कॉज होता है ना लोग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स जानवरों के लिए थोड़ा सा एक सिंपथी के लिए जनरेट करना अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको एक शेल्टर देना सो आई लव दैट कॉन्सेप्ट और तभी मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब आप ये लॉन्च करोगे मैं आऊँगा सपोर्ट करूँगा और न सिर्फ सपोर्ट करूँगा चेक लिख के भी सपोर्ट करूँगा तो आज एक जो पेंटिंग है वो हम ले रहे हैं एज अ डोनेशन टू द कॉज गुड इवनिंग बना कैसे हो आप थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप हमेशा ही सोशली रिलेवेंट कॉजेस से जुड़े रहते हैं पर इतने दिन से अदृश्य हैं आप अदृश्य हैं क्योंकि काफ़ी काम में मसरूफ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें अब सुनने में आएंगी दिखने में आएंगी जी तो अदृश्य रहने के बाद में ही जो है सामने आने का मज़ा अलग है आपको पता है कितनी उथल पुथल रही है आपके ना होने से मतलब आप सब संभाल लेते हैं नहीं यार मैं इतना बड़ा काम मैं तो सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ मैडम आप कुछ कुछ नहीं सर सर विवेकम के बाद रामचरण के साथ हाँ यार मेरा एक और उसका ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यस यार थैंक यू बहुत एक्साइटेड हूँ मैं रामचरण की फिल्म को लेकर और ये एक मेरे लिए एक वो था कि किक था एक तुक था कि मुझे साउथ की हर भाषा में एक फिल्म करनी है एक बार लाइफ में तो इस बार वो भी हो गया तो तमिल हो गया तेलुगू हो गई मलयालम हो गई और कन्नड़ा हो तो चारों भाषाओं में मैंने एक एक फिल्म कर ली है सो आई एम रियली हैप्पी और सब अब रिलीज होंगी विवेकम हो चुकी और बहुत अच्छी हिट रही मुझे फिल्म फेयर के नॉमिनेशन मिला उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल अक्लेम एंड कमर्शियल सक्सेस दोनों मिला आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट इनसाइड एज को शुरुआत कर रहे हैं आप हाँ भाई थोड़ा सा मैं झटका लगा दो दिन पहले क्योंकि नॉमिनेट हुए थे हम एमी अवार्ड्स के लिए और लास्ट रेस में आगे जाके हार गए तो थोड़ा सा तो बुरा लगा लेकिन इनसाइड एज 2 की अब समाप्ति हो गई है हमने कंप्लीट कर ली शूटिंग और बहुत जल्द वो आएगा फैंस सारे देखेंगे इनसाइड एज 2 एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ इनसाइड एज 2 एंड सी कि भाई विक्रांत धवन अब क्या करेगा प्रेशर तो है डेफिनेटली क्योंकि जब पहली बनाई तब कोई छवि नहीं बनी थी और अब नाउ एवरीबडी फील्स लाइक वाओ दिस इज सच अ ग्रेट शो वी हैव टू डिलीवर ऑन द सेकंड सीजन और अब जो स्क्रिप्ट अब कोशिश हमने पूरी की है और जो स्क्रिप्ट लिखी गई मुझे उस स्क्रिप्ट पे बहुत विश्वास है कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है इनसाइड एज 2 विल बी इवन बिगर सक्सेस सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस दिस इशू हैज नॉट बीन लाइक हमने आपसे आमने सामने
भाई ने बात सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इस पर आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी और ना आपके विचार अभी तक हमारे सामने आमने सामने आए हैं, आपको लगता है जो कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं हाल फिलहाल में वो ठीक है? मुझे लगता है कि बदलाव की सख्त ज़रूरत है और जिस देश को हम मातृभूमि में कहते हैं, जिस जहाँ पे हमारी भाषा जो हम शब्द बोलते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं, अब उसी देश में अगर हम महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले अब तो 10 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट देवी को और इस बैटल को एक अलग लेवल पे हम 10 सालों से लड़ रहे हैं, जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को रेस्क्यू करते आए हैं जिन्हें खरीद के बेचा जाता है व्यापार की तरह, तो वहाँ से शुरू होती है सारी चीज़ें एंड एक्सट्रीम केस वो है और ये सारी चीज़ें भी यही है, डिसरिस्पेक्ट करना। मुझे लगता है कि वो चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अब आ रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ये लॉन्ग ओवरड्यू है और इस इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट दुनिया में, पॉलिटिकल दुनिया में, पूरे समाज में बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपके पास अगर शक्ति है, पावर है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग करें बट दुरुपयोग ना। विवेक, एक चीज़ मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आई होप आप इसको बहुत ही सपोर्ट नहीं लेंगे। रिसेंटली सैफ अली खान करंट वर्क शो में गए थे एंड उन्होंने कहा था कि वो आपको करियर एडवाइस देना चाहेंगे अगर ऑप्शन जब मुझे चाहिए। आपका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़? यार, सैफू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और सैफू आई थिंक जिस स्पेस में आज है ही इज़ बियॉन्ड एडवाइस, बट उसकी जो बिटिया रानी है सारा, जिसको मैंने आई थिंक जब अमृता जी ने मेरी मॉम का रोल प्ले किया था शूट आउट में, तब सारा और इब्राहिम मेरे सेट पे आए थे और इतने थे, और हाल ही में मैं हैदराबाद जा रहा था अपनी शूटिंग करने के लिए और मेरे बगल में एक छोटी सी मतलब यंग सी लड़की बैठी है, सर इसको कहीं देखा हुआ है? एंड शी सर हाय, एंड रियलाइज सर ये सारा है। तो सारा इतनी बड़ी हो गई है, तो अभी हम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है, बट सो नाइस टू सी हर, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची, लुकिंग सो गुड, डूइंग सच गुड वर्क, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई थिंक बोथ द पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी प्राउड फॉर सारा। आप 1st दिसंबर को आ रहे हो? Basically, this is so close to our heart, and we've been always ardent lover of animals, and she's been associated with AMTM, the organization for 8 years. So for us, it's like home. The NGO Ho Na Ho, it's a passion that we, you know, want to be associated with something which is so good, and he's doing such fantastic job, which is Ganesh Nayak. So jab hamare paas aaye and they asked, will you design a calendar this year? I said, okay, design karna means only take photographs and, you know, just design karke calendar banana is no fun. Where is my touch? So yes, from childhood and from college and from advertising days, we've been painting. So she's a production designer, I'm an art director. So we're like, kya karenge? So I painted each and every animal, which is, you know, actually the rescued animals, which is in the NGO. So har ek ka ek naam hai, uske upar ek ek mahina dedicate kiya hai. And we're trying to raise some funds so that, you know, event ko exclusive banana cha rahe hain, taki, you know, acha naam hai, to phir paisa bhi de do. We need everyone to come forward and help this fantastic cause. Okay, sir, jo ye money isme milne wale wo charity ko dene wale hain, to koi particular charity hoga jo isko dene wale hain? The charity is called AMTM. It's Animals Matter to Me, run by Ganesh Nayak, and he's been doing it for last 8 years. She and I have been associating with this like as long as they started, and you know, karte ja rahe hain har saal chup chap. पर इस टाइम पर चलो फेस सामने दिखाने का टाइम आ गया है, तो वी थॉट कि लेट्स ऑर्गेनाइज दिस कैलेंडर एंड लेट्स यू नो स्प्लैश इट। लास्ट टाइम इन्होंने 5,000 कुछ कैलेंडर्स प्रिंट किए थे, इस टाइम वी सेड ओके वी विल प्रिंट 10,000 ऑफ देम एंड वी विल सेल द ऑक्शन द ओरिजिनल पेंटिंग्स, यू नो साइन होगा एंड पेंटिंग्स की कीमत हो जाती है, तो हम उसको ऑक्शन करते हैं। फर्स्ट पेंटर, ओके,
then an advertiser, then an art director, then a director. So first a painter. So that business is passion. So वो passion हम लोग ने ये जरिया निकाला है, एक मकसद निकाला है जिससे हम awareness create करें. More than this paintings and this and that, it's about the awareness that people should be kind to animals. They need our help. Help is needed. हमारा planet सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पे हैं जानवर लोग के साथ भी, तो वो रिस्पेक्ट उनको भी देना पड़ेगा. और आजकल आप सुनते होंगे कि कितने कितने बुरी चीज़ें हो रही हैं. सो द मेन थिंग वॉज दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फॉर 8 years विद AMTM, एनिमल्स मैटर टू मी, विद गणेश हु इज़ द फाउंडर ऑफ द एसोसिएशन. द थिंग इज़ दैट ये इतने ही लोग हैं जो अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जो इतना सारा काम कर रहे हैं बिना पैसे के. एक 12 बजे आप उनको कॉल करो रात को, या 1 बजे करो, वो भागते हैं एक एनिमल को बचाने के लिए. तो उनका वो जज्बा जो है ना, वो आई लव इट. सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद देम, एंड ये सिर्फ एक आइडिया था, एंड दैट इज़ अ पैशन. सो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू डू दीज पेंटिंग्स एंड ऑल. एंड इफ इट कैन गैदर सम अमाउंट ऑफ गुड मनी, मनी इज ऑलवेज नीडेड, बॉटम लाइन फॉर एनीथिंग. Love doesn't do anything. You need money also. So then we thought that ये तो करना ही चाहिए, और हम लोग को बहुत टाइम से करना था. अभी थोड़ा टाइम मिला है तो बोलते हैं चलो करते हैं. In between movies करना था, तो that's why this is a fantastic question. On? Oh hello, animal? How are you? On animals? Familiar face. हमेशा हम जब animals use करते हैं picture में तो लिखना पड़ता है we use all dummies or taken care of. तो we avoid it. But yes, I mean because you know ill treat नहीं होने चाहिए animals, because we are so concerned about that. और अगर हम picture में करके ill treat करें तो हमेशा दुख होता है, तो we avoid that. And Rekha ji, probably she's over here to basically a message per, and they're seeing it's a good cause, so they wanted to associate it with it. Vivek also hai, animal Geeta lovers hai, animal lovers na, genuine animal lovers, animals ko bahar nikalo, come and support this cause. That's all. Yeah, thank you. Designed the big boss show, big boss round, yes I am a very ardent fan, very ardent fan. Hum log phone karte hain ye kyun aisa kar raha hai, ye kyun nahi kar raha. सर आप जहाँ पे भी होंगे ना, लोग मुझे पहचान जाएंगे क्योंकि आप पीछे से आवाज दोगे. कैसे हैं आप? आज आपने सवाल नहीं किए. पशु को लेके मतलब आई थिंक पशु बोलना ही नहीं चाहिए. अगर प्रयास है तो पशु के प्रति एक ह्यूमन अप्रोच बहुत ज़रूरी है. तो वी हैव जस्ट
ह्यूमनाइज द होल थिंग. पहले पशुओं को सिर्फ पशुओं की तरह देखा जाता था, जानवर मतलब एक गाली समान था, और किसी को अगर गाली देनी थी तो आप कहते थे जानवर की तरह बिहेव मत करो. बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त बदला है, बहुत तेज़ी से बदलाव आया है. सिर्फ जो समीकरण है वो औरतों और मर्दों के बीच में ही नहीं बदला है, बल्कि जो समाज में जितने लोग हैं और जितनी तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो पशु पक्षी जानवर हो, सबके साथ इक्वेशन हमारा बदल गया है. और एक ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी बर्ताव उनके प्रति अब बहुत ज़रूरी हो गया है. और मुझे खुशी है कि इतने लोग इस जज्बात को अब समझने लगे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं. तो ये जो उमंग कुमार का ये जो प्रयास है, दैट एनिमल्स मैटर टू मी, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है, जहां आप जानवरों को जानवरों की तरह नहीं देख रहे, एक प्राणी की तरह देख रहे हैं, जैसे इंसान एक प्राणी उसी तरह देख रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में जो जिंदा है और जो सांस ले रहा है, वो सब बराबर हैं. पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी वो भी एक जीव हैं. तो जितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हालांकि वातावरण जिंदा नहीं है, लेकिन आप वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो हर के प्रति एक एटीट्यूड जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है. वो बाबा आदम के ज़माने से जो एटीट्यूड चला आ रहा था, उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है. और वो प्रयास जो है भले ही कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पूरा समाज, एक पूरा समूह शामिल हो रहा है. ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें गति और प्रवाह है. बहुत शुक्रिया. और पूछने के लिए छोड़ा ही नहीं आपने, मतलब देखिए, अब मैं हमेशा इसलिए आता हूँ पार्टी में कि सब जर्नलिस्टों का काम आसान कर, मुझे खास इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, बस जवाब सुने. और इतने सारे सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला जो है, मुद्दा यही है कि एनिमल्स मैटर टू, ऑफकोर्स एंड इट शुड हैव मैटर लॉन्ग अगो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर. अब से जो ये प्रयास शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में, और ऐसे कुछ लोग थे जो जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे इंसानों के साथ, वो उनके साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ जानवर थे. लेकिन अब वो जो एक सोच में, मनोवृत्ति में एक बहुत गहरा जिसको पैराडाइम शिफ्ट आया है, जहाँ सब अभी बराबर हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है. इट्स अ ग्रेट मूव. मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो खरीद लेंगे. जी हाँ जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको बेहतर मालूम होगा मुझसे. ऐसी कौन सी चीज है जो बिकाऊ नहीं है आज की दुनिया में? सब बिकता है. इंसान बिक रहा है तो अवार्ड तो बहुत छोटी सी चीज है. मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ. एक छोटा सा किस्सा है, वो आप सुन लें कि अवार्ड किस तरह से. और वो एक इंसान जो अवार्ड बेचता था, मैं ये इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन जो हर साल होता है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये शख्स जो थे, वो जितने नॉमिनेशंस होते थे ना, पाँच पाँच हर कैटेगरी में, तो हर के पास जाता था, वो कहता था मैं आपको अवार्ड दिला दूंगा, 2 लाख रुपये लगेंगे, और अगर नहीं मिला तो पैसे वापस. अब उन पांचों में से एक को तो मिलना था, बाकी सबका वापस कर देता था, और जिसको मिलता था उसको लगता था इसी वजह से मिला, वो बेचारा चुपचाप रहता था. ऐसी कितनी कैटेगरीज मल्टीप्लाइड बाय 2 उतने पैसे वो बनाता गया. बोले इतने बेवकूफ़ से खरीदते गए, उनको ऐसा लगता है खरीदते रहे थे, सबसे पैसे बनाता गया. बाद में कहा भी बहुत हो गया, खुद ही आके उसने कबूल कर लिया. पर अवार्ड्स फिक्स किए जाते हैं, ये तो मालूम ही, इसमें कोई इतनी हैरत वाली बात नहीं है. अरे क्या कह दिया आपने, तो इट्स ब्लास्फेमी, ऐसा नहीं. अवार्ड बिकते हैं, अवार्ड अरेंज किए जाते हैं, अवार्ड फिक्स होते हैं. हाँ जी, अब इन ये इट्स हिज डे. अब शेखर सर नहीं, अब उमंग सर. सर हमारा हो गया. हाँ सर, हमारा हो गया. आपकी शुरुआत सर. हाँ सर, ओके. हाँ जी, बाहर आ गया. क्या डाले? क्या डाल सकते? मोबाइल जेब में डाल लो. क्यों सर, उससे क्या होगा? क्या मुंह में डाल दो. एक गोल.
Well, I've had the opportunity to meet Mr. Umang sir very few occasions actually. He's been the art director of Star Screen Awards as well. That was the first time I met him. So that was the first time I met him. Then, you know, I've had the chance of meeting him at his office at my house and discussing various scripts. And, you know, very soon, hopefully, we should work together. So, yeah, looking forward to that day. I think khas kar kyunki jo cause hai, jo initiative hai, I really salute Mr. Umang sir for doing this, because you know, for animals, I'm just going to do everything in my power to help, and you know, what better way to do it through Mr. Umang sir's initiative. He's a major ardent fan of animals. Yes. So everyone who is associated with animals, we welcome, and he was gracious enough to come over here. Yeah, thank you. Thank you, sir. And you know, it's something like a passion that we want everything and everyone to be engaged. These are all hand painted by us, and you know, and we're auctioning the original paintings also. As much money raised is good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Like, do you have an inclination towards painting? Not really, sir. I'm not very artistic. Animal lover. Bahut, yes. Yeah, I'm an animal lover. If you ask about art, I'm not very talented. Would you like to say about this calendar job? Can I tell you specifically? Well, I've just seen this drawing so far, and this is fantastic. I'll go and see, sir. I'll tell you about it. Thank you, sir. I mean, it's obviously a very sad issue. It's obvious that, you know, it's something that's happening. It's bahut rampant hai all over the world, and I think we should do our part to plant a tree wherever we can. So, thank you guys. Auction hone wala hai. Tell me about the animal sanctuary. Are Utkarsh has been my mentor for the last 8 years, and finally this is the opening PhD sanctuary. Director Umang Kumar. Sends an ambulance or personally comes at 2 o'clock in the night, picks up the animal, goes and you know, they have in-house doctor on Kitna, and they do a selfless job. And we were grateful enough to, I mean, you know, I was grateful enough to keep the eye on our part. And I know there are faces over here who have been associated with him for so many years, and I appreciate that. So this was a very small gesture from our part. Okay. He's doing something for Kola, for about a 19-acre over there, and itna bada kaam kar raha hai yaar, akela bichara kitna kaam kar raha hai. You know, somebody's, obviously everybody's putting in their money. He just came to me, ke, boss, can you do something for me? Because you've been in advertising, you've been an art director, so kuch ek design kar lo calendar. I said, okay, main design karun calendar ko, yaar, wo to choti baat hogi, matlab, but 2 minutes mein ho jayega, kya karega? Something more has to be done, has to be talked about now. So, okay. All these paintings are one painting each for 1 month is art of rescued animals. Okay? Unka ek naam hai, there are sweet characters, and I've just put a little jewelry on them to you know, bejewel them and make them a little special. They are so special. I wanted to put them heart and soul over here. We'll unveil this, you see it, and obviously we're gonna auction these paintings, but I must say, 8 are already sold. So, thank God for that. I need a complete setup over here tonight. But before going ahead, I just want to call the man of the hour right now for us, who has... Okay, I want to say something here.